नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। अभी अभी हमारे बीच हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जो मंत्री साहब सिंहलय भगत जी हमारे बीच है। आप सबसे आज हमारा 41 डेज हो गया लॉकडाउन का, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि जब जब मैंने मौलैदा का मदद मांगा है वो हमेशा मेरे पास खड़े हुए हैं, और वो बोले भी हैं कि रेल पार में किसी को भी कोई भी समस्या होगा वो तुरंत, आप लोग उनका फोन नंबर भी वो दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि हर पल आपके पास आपके बीच वो रहे। जो मदद वो हमें किए हैं इसके लिए हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं उनको शत शत प्रणाम करूंगी, और अभी हम लोग उनसे दो शब्द सुन मिलेंगे। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो ममता सरकार है, ममता बनर्जी जिस तरह से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ रही है, उनका एक बड़ा सैनिक है हमारे बीच आज उपस्थित, इसलिए हम सब इनके फिर से कहेंगे कि हम सब इनके आभारी हैं। मैं पहले धन्यवाद दूंगा सीके रेशमा जी को, आप लोग का काउंसिलर। आज तो आपने एक समस्या जो सीके रामकृष्ण फाउंडेशन का तरफ से करीब 500 पैकेट जो अली नगर में रहते हैं मेरा भाई बहन लोग, इन लोग का परिवार के लिए, आप लोग का अभी रमजान महीना चल रहा है, रोज रोजा खोलने पड़ता है, तो कुछ बंदोबस्त उन्होंने किया है। आप लोग को मालूम है कि कोरोना वायरस जो पूरा पश्चिम बंगाल या देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में फैल गया। करीब करीब 2.5 लाख आदमी का मौत हो चुका। तो एक ऐसा बीमार है कि किसी को छोड़ता नहीं है, कोई भी थोड़ा सा गलती किया तो ये बीमार पकड़ लेगा। इसलिए हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बार बार टीवी में एक ही चीज देखिएगा बोल रहे हैं कि आप लोग घर पर रहिए, अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकालिए, कम से कम 1 मीटर दूरी में रहिए, किसी का साथ 1 मीटर का अंदर मत रहिए। तो ये सब हम लोग को मानने होगा, पालन करने होगा। और इतना हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में हम लोग सब जगह का पता लगा लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो काम हो रहा, जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कर रही है, पूरा देश में कहीं नहीं हो रहा, पूरा देश में कहीं नहीं हो रहा। आज हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 6 महीना के लिए रेशन फ्री कर दिया, अगला 6 महीना आप लोग को जिसका रेशन कार्ड है उसको भी रेशन मिलेगा। जो लोग का रेशन कार्ड के लिए दरखास्त किए थे लेकिन रेशन कार्ड नहीं मिला है, देखिए सभी रेशन दुकान में उसका नाम टंग दिया गया, उन लोग को भी फ्री रेशन मिलेगा। बाकी जितने पड़े हुए हैं उसके लिए भी हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोला कि हम लोग जीआर का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन उसके बाहर में हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का पार्टी से हम लोग हर जगह जितना जुगाड़ करने से का हम लोग रेशन पहुंचाने का कोशिश किया, अभी तक कर रहे हैं। और जो एनजीओ लोग हैं, जैसा अभी जो रामकृष्ण फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, ये एनजीओ का तरफ से भी हमने सुना 23 नंबर वार्ड में सभी मोहल्ला में ये चीज जो आपका दाल, छोला, खजूर, चीनी, आटा, शरबत, ये सब बांटा जाएगा। आप लोग को रोजा खोलने में लगता है थोड़ा बहुत जो मदद ये रामकृष्ण फाउंडेशन ने किया है, हमने फिर से एक बार इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं इतना आप लोग को कहता हूं कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी
ये कोरोना वायरस के लिए खुद अपना जान को बाजी रख के, आप लोग देखिएगा टीवी में हर जगह में पहुंच रहे, हर जगह में आदमी का साथ बात कर रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा सा घर में रह के और डिस्टेंस जो मेंटेन करके आप लोग रहिए तो ये वायरस आस्ते आस्ते खत्म होगा। इसलिए हम लोग अनुरोध करता हूं कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो चीज आप लोग को बोल रहे हैं उसको अच्छे से मानिए, तभी कोरोना वायरस से हम लोग बचेगा, तभी बचेगा। और रेशन फ्री किया गया है सरकार से, और भी जो मदद जब भी दिया जाएगा हम लोग ऐलान करेंगे। अभी हम लोग का पश्चिम बंगाल का बहुत आदमी बाहर पड़ा हुआ है, देखिए ट्रेन देके उन लोग को पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग का सरकार, हम लोग का चीफ मिनिस्टर काम कर रही है। उस दिन दारकुड़ी में एक ट्रेन आया, हम ही रिसीव करने के लिए हमको चीफ मिनिस्टर बोला था, हम गए थे, उन लोग को रिसीव किया, हजारों से ज्यादा आदमी उन लोग आया। उस अजमेर से वो ट्रेन दारकुड़ी आया था, एक ट्रेन आपका केरल से मुर्शिदाबाद का मुर्शिदाबाद आया, और एक ट्रेन अभी हैदराबाद से मालदा आ रहा। तो पश्चिम बंगाल का जितना भी आदमी बाहर पड़े हुए, हम जानता रेल पर कभी हो सकता कुछ आदमी बाहर में काम करते हैं, उन लोग को भी आने का प्रबंध आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से एक बार रामकृष्ण फाउंडेशन और सी के देशवाल को मेरा तरफ से बधाई और धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। नमस्कार। पैकेट मौजूद है, आप लोग प्लीज लाइन बना के लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सब लाइन बना के लीजिए, थोड़ा सा हट जाइए सब। बहुत खुशी लग रहा, बहुत अच्छा हुआ, किसी का मदद हो रहा हम लोगों का रमजान के दिनों में। सब लॉकडाउन में सब लोग बैठे हुए हैं, मत लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, जो औरतें भी काम करती थी बाहर में, कुछ मजदूरी इधर उधर घर का काम सिलाई उलाई होता था, वो सब अभी सब कुछ तो काम बंद है, वो सब काम तो हम लोग का नहीं हो पा रहा है। तो दीदी के तरफ से जो मिल रहा है उसके लिए बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। दीदी जो अच्छा काम कर रही है उसके लिए क्या कहोगे? दीदी तो हम लोगों के वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग का लाइट पानी तो मेन मसला था, तो लाइट पानी हम लोग का एनी टाइम रहता है, 24 घंटा पानी है, 24 घंटा लाइट है, लाइट पानी एकदम नहीं जाता। फिर साफ़ सफाई तो बहुत हो रहा है, हफ्ता में मतलब कितने मतलब सैनिटाइजर छिटा रहा है, नाली साफ़ हो रहा है, एक दिन दो दिन बात करके आ रहा नाली साफ़ हो रहा है, झाड़ू डेली पड़ रहा है, एवरी डे आता है झाड़ू देने के लिए, बहुत सफाई हो रहा है, पहले हम लोग के यहाँ सफाई नहीं होता था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाइस्ता परवीन। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बीपीएल क्वार्टर, श्रीनगर में बीपीएल क्वार्टर। हमारे दीदी आज के खड़ी लॉकडाउन के जने साथ नहीं, इमें जो दिन मैंने दीदी छिल मैंने पूरा साथ दीजिए, मैंने ये लॉकडाउन के जने जो दीदी मदद करते वोटा नहीं, बाकी और भी जोखनी हमारे दीदी का जो किचू मैंने किसी सहाजे जने चाहे तो एनी टाइम साथ दे, और इतना तो रमजान दीजिए तो हर ईदे हमें दे, और लॉकडाउन दीजिए तो और भलो। কি রকম কাজ করছে আপনারা? আমাদের কাউন্সিলর তো আমাদের এলাকায় মানে সবচেয়ে ভালো, মানে আমাদের আমাদের সিকে রেশমা 23 নম্বর ওয়ার্ড, আমরা আমি আলীনগরে থাকি, আলীনগরে মানে অনেক মানে খারাপ রাস্তা ছিল, না নালি ছিল, না রাস্তা ছিল, না আপনার হচ্ছে জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল, কিচ্ছু ছিল না। তো দিদি আমাদের রাস্তা ঘাট নালি জলের ব্যবস্থা ঘরে ঘরে মানে ঘরের সামনে সামনে মানে নল বসিয়ে দিয়েছে। কেমন লাগছে? খুব ভালো, অতিরিক্ত। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম তনুজা খাতুন। থাকেন কোথায় আপনি? আমি আলীনগর। আজ রামকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন কে ওর সে हम लोग जितने भी अलीनगर के 550 फैमिलीज को हम लोग रमज़ान किट बांट रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन, इस कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, सारे लगभग डेली वेजेस है, उनको कोई परेशानी ना हो पाए और इस रमज़ान के समय कुछ थोड़ा बहुत मदद हो जाए। जिस प्रकार हमारी माननीय मुख्यमंत्री लड़ रही हैं,
हमारे पूरे बंगाल में सबको दिन रात जाग कर उनके लिए कर रही हैं, तो हम उनके टीम में होते हुए इस तरह से थोड़ा एक्टिविटी करना चाहते हैं। लॉकडाउन तो बहुत दिन से चल रहा है, हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी आप अपने वार्ड के लिए और क्या क्या काम किए हैं? इससे पहले भी हमने कोशिश किया है हर घर तक पहुंचना, जो जो घर में जो डेली वेजेस है उन्हें हम लोग राशन पहुंचाने का कोशिश किया है, जो भी मदद, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो मदद करने का है वो सब हम लोग पहुंचाने का कोशिश किए हैं। और हमारे जो लोकल विधायक हैं श्री मलय घटक जी, उन्होंने भरपूर मदद किया है, हमेशा पास खड़े हैं, जब भी उनको पुकारे उन्हें पास पाए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि 23 नंबर वार्ड में जितना भी घर हो सके, आज 41 डेज हो गया है लॉकडाउन का, तो बहुत तरह का समस्या है, हम लोग कोशिश करेंगे हमारे तरफ से जितना हो सके हम लोग उनके पास खड़ा हो पाए। ये जो रमज़ान किट्स आप बांट रहे हो, कितने लोगों के बीच में बांट रहे हो? हमारी कोशिश है ये सिर्फ रमज़ान में जो है उनके लिए भी नहीं, और जितने भी वार्ड में लोग रह रहे हैं हर एक घर में हम लोग ये किट पहुंचाने का कोशिश करें, क्योंकि अभी रमज़ान का समय है तो पहले उनका आवश्यकता है, तो उनके घर में जल्द से जल्द हम लोग पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लगभग अभी 4000 पैकेट हमारा रेडी हो चुका है, हम लोग बांट रहे हैं, इससे पहले हम लोग 2000 बांट चुके हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी घर में कोई भी भूखा ना सोए। ये जो सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग सामाजिक फासला नहीं बना रहे, उसके लिए क्या कहोगे? देखिए, जो एडुकेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग समझ पा रहे हैं कि ये फासला क्यों रखने की ज़रूरत है, तो मेरी पहले से भी विनती रही है कि स्लम एरियाज़ में हम लोग की कोशिश रहेगी कि उनको अवेयर करें कि ये कितना सीरियस बीमारी है, ये महामारी कहाँ तक पहुँच सकता है, तो उनका अवेयरनेस नहीं है बोल के कभी कभी वो लोग साथ साथ चल के आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा उन्हें अवेयर करना और उन्हें समझाना कि इस बीमारी से क्या क्या खतरा हो सकता है। आपके वार्ड में राज्य सरकार द्वारा जो चावल दिया जा रहा है वो सही से सबको मिल रहा है? देखिए, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी? देखिए, हमारा कोशिश यही है कि जिसका राशन कार्ड नहीं है हम उनका नाम लिख ले रहे हैं और उन्हें अलग से राशन प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। और राज्य सरकार से जितना भी टोकन दिया गया है वो भी हमारी कोशिश है, आंगनबाड़ी के दीदी लोग के साथ हम लोग संपर्क करके पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है कि कोई भी घर में बिना राशन कोई नई रात गुजारे। भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अनियमितता बरती जा रही है राशन देने। देखिए, वो खुद लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं बोल के अब उनको तो कुछ करना होगा। अभी हाल फिलहाल ही मैंने देखा है फेसबुक में कि वो लोग अपना जूम में मीटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ जूम में मीटिंग कर रहे हैं कि क्या क्या तरह से ममता दीदी को अटैक करना है और उन्हें बुरा बनाना है। वो जब देख रहे हैं पहला दिन से ममता दी जिस प्रकार लड़ रही है इस कोरोना वायरस के विरुद्ध और जिस प्रकार लोगों का प्यार उनको मिल रहा है वो बौखला गए हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं गलत गलत तरीके से लोगों को समझाना, लेकिन लोग समझ पा रहे हैं कि अभी कौन उनका साथ दे रहा है, कौन उनके पास खड़ा है। ऐसे काउंसलर, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या आपका? देखिए, अभी तो फिलहाल कोशिश है, आज मेरी रमज़ान किट बांटने की पहला फेज है, कल फिर दूसरा फेज रहेगा। इस तरह से जितने भी हम लोग के जो भी रोज़ा रखे हैं उन तक हम लोग की पहुंचने की पहली कोशिश, फिर दूसरी कोशिश रहेगी बाकी जो घर छूट गया है वहां पे पहुंचाना। और साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं जिनका जिनका राशन का कूपन नहीं है वो उनका तक पहुंचाना, उनका अगर नहीं मिल रहा, किस कारण नहीं मिल रहा, वो हम लोग राशन ऑफिसर से बात कर रहे हैं, उन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जिनका राशन का कार्ड भी नहीं है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके पास कुछ चावल या जो भी हो सके हम लोग की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।